अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मिल गई आपको फुर्सत, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। जी तो सही कहा ना मैंने? खैरियत? हाँ हाँ वो भी ठीक है। कौन वो फैसल जिनकी जिनकी शादी में हम गए थे? इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। कब कैसे? अल्लाह मग़फ़िरत करे। सब किस्मत के खेल हैं। क्या कशफ से? ना बाबा ना, आपको तो पता है वो आज भी वहाज के ख्वाब देख रही है, उसकी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। देखिए फहद, वो मेरी बहन है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा मैं आपके कहने पर उससे ज़रूर बात करूंगी, लेकिन फिर बाद में आप खुद समझा लीजिएगा। आपको क्या पता कि मैं कशफ के लिए कितनी परेशान हूँ। हाँ बाबा पक्का वादा, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो स्वीटी। मिल गई फुर्सत, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। यार कम ऑन, तुम्हें तो पता मैं कितना बिजी होता हूँ। हाँ तुम बिजी ही रह जाओगे और मुझे अपने साथ कोई और ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा तो सब संभाल लूंगा। मैंने इनकार कब किया है? तो तुमने इकरार भी तो नहीं किया ना। एक मैं ही पागल जो तुम्हारी मोहब्बत आज भी दिल में लिए बैठी हूँ और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। अरे बाबा परवाह है, तुम्हारी ही तो परवाह है। अच्छा आप ही कहाँ हैं? साथ वालों के यहाँ गई हैं। अच्छा फिर तो बहुत अच्छा, तो वक्त ही वक्त है हमारे पास बात करने के लिए। वक्त ही तो नहीं है बहाज, जानते हो आप ही क्या कहती हैं, औरत की उम्र शाम के ढलते सूरज की तरह होती है, अगर वो एक बार डूब जाए तो औरत की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। लेकिन तुम्हारे आप ही ने यह नहीं बताया कि सूरज के ढलने के बाद चांद पे निकलता है, जो अपनी चांदनी के शहर में सबको महसूर कर देता है। हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन आप ही को कौन समझाएगा? पता है तुम्हें आज फहद भाई की कॉल आई थी। पानी देना। फहद का फोन आया था। मैं तुमसे बात कर रही हूं कशफ। सुन रही हूं मैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ, जो भी सोचूंगी वो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा ना। अगर आप शादी के टॉपिक पे बात करना चाहती हैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ही सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं कब तक अपना घर बार छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास बैठी रहूंगी? आखिर मेरा शौहर है, मेरा घर है, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं, मैं कब अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगी? ये तो खुदा का फजल है कि मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है।
जो मेरे दर्द को अपना दर्द समझता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि तुम्हारा भी ख्याल रखते हैं। एहसान जता रही, बोझ बन गई हूं मैं आप पे। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर। जिस लड़के ने 5 साल से तुम्हें लटकाया हुआ है ना, वो आगे भी तुम्हें लटका के रखेगा। इस वक्त तुम्हारे जहन पे उसकी मोहब्बत का खुमार चढ़ा हुआ है। आने वाला वक्त बताएगा कि तुम अंधेरों की खाक छान रही हो। बहरहाल परसों फहद के दोस्त फैसल आ रहे हैं। पिछले साल उनकी शादी हुई थी, बीवी की डेथ हो गई है, दूसरी शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छे और नफीस इंसान हैं, और अमीर भी। तुम तैयार रहना। शादीशुदा मर्द से शादी कर लूं मैं? वहाज ने भी तो कनाडा में शादी कर रखी है उस अंग्रेज से। वो मजबूरी है उसकी। कोई मजबूरी नहीं थी, पैसों की लालच में की है, वो भी अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ। छोड़ देगा वो उसे? वहाज उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो वहाज की हरकतें हैं वो औरत उसे जरूर छोड़ देगी। आप बैठे, मैं कशफ को लेकर आती हूँ। मैं जरा आती हूँ। आप बैठिए ना। आपका नाम है कशफ? जी। माशाल्लाह, आपका नाम आपकी शख्सियत जैसा ही है, बहुत खूबसूरत। बैठेंगे नहीं आप? शुक्रिया। मेरे बारे में तो पता चल गया होगा आपको। जी। कशफ, मैंने आपको कुछ अर्से पहले एक दोस्त की शादी में देखा, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं, आप रिश्ते से खुश हैं कि नहीं? जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। मेरी जिंदगी का फैसला मेरी आप ही करेंगी, मैं नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आप राय रखने का हक रखती हैं। आप खुश तो हैं ना? अरे भाई क्यों नहीं खुश, अगर ये खुश ना होती तो मैं आपको फोन पर ही मना कर देती। तो फिर मैं हाँ समझू? 100%। Excuse me. अरे
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। आप थकी भी लग रही हैं, आराम कर लें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं टैबलेट्स दे देता हूँ, खा के सो जाएं, सुबह तक फ्रेश हो जाएंगे। नो नीड टू रश, ओके, टेक योर टाइम। आराम करना चाहती हूँ मैं। श्योर, प्लीज। अब क्यों किया है मुझे फोन, मेरा तमाशा बनाने के लिए? तो शुक्र है कि फैसल रूम में नहीं है, वरना वो क्या सोचते मेरे बारे में। जब मेरी जिंदगी का फैसला होने जा रहा था उस वक्त तो नंबर बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए, बुजदिल इंसान। यार तुम बोलती रहोगी या मेरी भी सुनोगी? एक्सीडेंट हो गया था मेरा, हॉस्पिटल में था। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई, आईसीयू से कॉल करके तुम्हें बताया। आई एम सॉरी वहाज। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैं नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा हूँ। तुम आ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तूफान को मैंने इतने अरसे से रोक के रखा था वो आ चुका है। अच्छा ये मायूसी की बातें मत करो, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और हाँ, वो सुजैन को मैंने तलाक दे दी। लेकिन महाज मेरी शादी हो चुकी है। अरे हाँ हाँ पता है, शादी हो गई है तुम्हारी। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा ना मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूं ना वैसा करती जाओ। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम और मैं ठीक हो जाएंगे। सुबह सुबह ठंड में क्यों खड़ी हो? बुखार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, बहुत सख्त जान हो रहा है। अच्छा लगता तो नहीं है। कश्यप मैं समझ सकता हूं तुम अपनी बहन से बहुत अटैच थे, मगर हर लड़की को कभी ना कभी अपनों को छोड़कर जाना होता है। जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी वक्त मेरी रूह को सुकून आ गया था। ये सब तो अल्लाह की तरफ से,
वो जब दो लोगों के दरमियान रिश्ता जोड़ता है ना, तो दिलों को भी जोड़ देता है। और कभी कभी दिल जुड़ जाते हैं, रिश्ते नहीं। मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी आप ही से मिलाऊं, फिर वो दुबई चली जाएंगी, पता नहीं कब मुलाकात हो। हाँ श्योर, क्यों नहीं, चलो अभी तो अंदर चलो। मैं खुद चली जाऊंगी। अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेव, मैंने सुना है कि उसने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया और कंपनी के 30% शेयर भी। लगता है बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ, प्यार और एतबार एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। अच्छा छोड़ो ये किताबी बात, यू नो अब हमारा काम और भी आसान हो गया। अच्छा तुम किसी भी तरीके से ना उसे तलाक लो, लड़ाई करो उससे। ना आसान नहीं है ये, लड़ाई के लिए कोई वजह चाहिए होती है और वो हर बार कोई ना कोई वजह बनने से पहले उसे बेवजह कर देता है। मैंने कहा ना, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूं ना वैसा करती जाओ। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम और मैं एक हो जाएंगे। I'm getting late. आपी की फ्लाइट है, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो उनसे। ओके। कनाडा से यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, उसे डिपोर्ट किया गया है, उसकी बीवी ने उसे लात मार के निकाला है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, इस बुरे वक्त में उसे छोड़ दूं? कशफ, तुम्हारी अकल घास से रह गई है क्या? तुम्हारी शादी हो चुकी है, घर है, शौहर है, तुम्हारी जिंदगी अब किसी और के साथ मुंसलिक है। तुम फैसल के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तो क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं चाहती आप। मैं यहां सिर्फ आपसे मिलने आई थी कि आप जा रही हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। कशव, मेरी जान, तुम इस वक्त मोहब्बत में अंधी हो रही हो, यकीन मानो तुम मुंह के बल गिरोगी। ये जो मोहब्बत होती है ना आपी, खामोश समंदर की तरह होती है। अगर इसमें तो ज्ञानी आ जाए तो सब कुछ साथ बहा के ले जाती है। कशव, कशव, क्या हो गया? मेरे सर में दर्द है। कशिप, मैं जब तुम्हारे पास आता हूं तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। एक महीना हो गया हमारी शादी को, कब तक दो अजनबियों की तरह की छत के नीचे रहेंगे? अब चले जाए यहां से। नहीं, नहीं जाऊंगा मैं। आप इनफ इज इनफ। तो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? Are you in your senses? Yes, I am. Please don't act like a child. तुम बीवी हो मेरी, मैंने निकाह किया है तुमसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ पैसे। मेरी जान छोड़ दो खुदा के लिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? अच्छा चलो ठीक है, मैं कमरे से चला जाता हूँ। तुम मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चले जाते? जल्लाद भी फांसी देने से पहले मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तुमने तो ये बोलकर मुझे जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया। किस बात की सजा दे रही हो मुझे? सजा मैं नहीं दे रही तुम्हें, किस्मत सजा दे रही हम दोनों को। सब कुछ तुम्हारे नाम तो कर दिया मैंने, घर तुम्हारे नाम कर दिया, कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? तलाक। क्यों क्यों चाहिए तलाक? रीजन दो मुझे। शर्मी से मुझे तस्वीरें दिखा रही हो तुम, तुम्हारी तो आंखों का पानी मर गया है। कितनी बेहस औरत हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं, क्यों मुझे अंधेरे में रखा तुमने? जवाब दो मुझे कश्यप, जवाब दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लेती हूँ। मेरी जान छोड़ दो, आजाद कर दो मुझे, वरना मैं अपने आप को खुद मार लूंगी। मैं बहाज के बगैर नहीं रह सकती। मेरी आंखों ने बहुत अरसा उसके ख्वाब देखे, मगर जब वो मेरी जिंदगी में आया तो किस्मत ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। अब वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे लिए वापस आया है। रहम करो मुझ पे, छोड़ दो मुझे। कितनी आसानी से तुमने इस कहानी को खत्म कर दिया। क्यों आई मेरी जिंदगी में जब तुम्हारा किसी और से चल रहा था? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन था, ठीक है? तुम्हें तलाक चाहिए ना मुझसे? तो सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरा सब कुछ। वाह बहुत खूब, तुम तो शायरा भी। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी खूबसूरत बाग में मैं नंगे पांव झूमती फिरती, सर्द हवा, बारिश का मौसम, मिट्टी की खुशबू, ऐसा लगता है जैसे सर्द हवा का झोंका हो तुम, मिट्टी की खुशबू हो तुम, बारिश की बूंदें हो तुम, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरा सब कुछ। वाह बहुत खूब, तुम तो शायरा भी बनी।
तुम्हारी दीवानी हूँ मैं। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? चाय बनाने जा रहा हूँ। जब तक चाय नहीं पियो ना दिमाग काम नहीं करता। आता हूँ। थैंक यू। अरे पियो ना, सारी पियो। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर पियो। मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों इसी तरह सारी जिंदगी साथ रहें सुकून से। मेरे साथ तुम्हें सुकून मिल रहा है ना? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा किया आके, बहुत हो गया काम, अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। वाकई आज बहुत थक गया हूँ। आई नीड रेस्ट। देखो बहाज कितना क्यूट बेबी है ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। लेकिन मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। आई मीन टू से बहुत थक चुका हूं मैं, आराम करना है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी और तुम हो के? अरे मेरे जाने से कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ आराम करना है, थक चुका हूं मैं। बाद में चढ़ेंगे ना मोहब्बत के किस्से। ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स लाइक माय गुड गर्ल।
अच्छा है। थैंक यू। आगे तुम पता ना कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आखिर कब तक हम चोरों की तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? इस बारे में तो फिलहाल मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तुम तो जानते हो कनाडा से डिपोर्ट होने के बाद भाई भाई के लिए मोहताज हो गया था मैं। ये तो अच्छा हुआ ये पागल लड़की मेरे पीछे दीवानी हो गई। खैर क्या करता, करना पड़ा मोहब्बत का ड्रामा। अगर ये ना होती तो हमारे खर्चे कौन पूरे करता? कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो मेरी जान हो, और जान के साथ कोई टाइम पास करता है क्या? सच्ची मुच्ची तो तुम कश्यप को बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है? तुम्हें तो जब तक उसका अकाउंट खुला है ना, हमें अपना मुंह बंद रखना होगा, समझे? चले चलो।
ठीक है, अगर तुम्हें हकीकत पता चली गई है तो सच्चाई भी सुन लो। हाँ ऐसा ही हूं मैं और हनी साथ है। क्या कर लोगी तुम, कर क्या लोगी तुम? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों झूठ बोला? अंधेरे में क्यों रखा मुझे? मैंने अंधेरे में रखा? अरे तुम तो खुद पागल थी मेरे पीछे, याद नहीं? याद करो। सच कहती थी मेरी आपी, कश्यप एक दिन मुंह के बल गिरोगी। आज मुंह के बल गिरी हूं मैं। सोच भी नहीं सकती थी पैसे के हसूल की खातिर तुम इतना गिर जाओगे, मोहब्बत को अपना हथियार बना लोगे। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, निकल जाओ यहां से। मैं चला जाऊं? खुद अपने ही घर से मैं चला जाऊं? वाह कश्यप मैडम, आप भूल रही हैं, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। हाँ तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, दरवाजा खुला है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत जलाकर खाक कर देती है, तुम भी खाक हो चुके हो, तुमने खुद को जला दिया मेरी मोहब्बत। तुम्हें किसने कहा था मुझसे मोहब्बत करो? मैंने तो नहीं कहा था, पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूमती थी। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए मैंने खुद को तुमसे दूर रखा। मुझे तो दिलचस्पी है हनी में, और किस धोखे की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया, समझे तुम? चलो आने। सच कहा तुमने, मैं ही पागल थी जो अंधेरों में खाक जानती रही। मैं क्या जानती थी कि मेरी मोहब्बत ही मेरे लिए सजा बन जाएगी। बर्बाद हो गई हूँ मैं।